लेकिन हम आज बात करेंगे भारत के वजीर खारजा जयशंकर की आमद की, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज का और अंदाज था। जयशंकर साहब का जो डिमीनर था बड़ा जबरदस्त था, वो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थे, वो बड़ा उन्होंने अपने आप को कंपोज रखा। पाकिस्तान के लोग एस जयशंकर के स्टाइल के दीवाने हो गए हैं। कई पाकिस्तानी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि एससीओ बैठक में अगर किसी का स्वैग है तो वो एस जयशंकर का है। बॉडी लैंग्वेज, डिनर पर इसहाक डार साहब के साथ बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट करवाना और गुफ्तगू, और फिर जाते हुए ट्विटर पर मेजबानी का शुक्रिया अदा करना, कोई ब्रेक थ्रू था? जिस तरीके से हमारा डिमीनर है और जिस तरीके से हम चलते हैं, जिस तरीके हम हाथ मिलाते हैं, और जो हमने देखा जयशंकर के साथ जिस तरह हमने अपने आप को कंडक्ट किया, मैं तो हैरान हूं कि किस तरह हम लोग ये सारे काम करते हैं। जयशंकर साहब की आमद, मुस्कुराहट और इसहाक डार साहब से गपशप की बुनियाद पर उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ, दोनों मुल्कों के दरमियान बर्फ पिघल रही है और भारत भी अब पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का खा। जयशंकर साहब तो बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं सफारतकारी के, और बड़ा तजुर्बा है उनका, तो हम यही तवक्को रख रहे थे। कोई मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, बहुत उन्होंने होशियारी का काम दिखाया। हमारे वजीर खारजा लास्ट टाइम गए थे तो ही गॉट कैरिड अवे। पॉलिटिशियन और सफारतकार में फर्क तो होता है ना। सही। तो ये जो हमारे जो लोग थे वो ऐसे नजर आ रहे थे कि बस बेचैन थे कुछ, उनका जो कंडक्ट था दे वर एक्साइटेड कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। लेकिन क्या जयशंकर साहब ने एसईओ कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर में ऐसा कोई इशारा दिया? पाकिस्तान तवातुर से ये कहता चला आ रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और पाकिस्तान के हसास इदारों का भी यही कहना है कि इस दहशतगर्दी के पीछे बज़ाहिर अफगानिस्तान और पीछे हिंदुस्तान है। भारत के जो वजीर खारजा, उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। उन्होंने टेररिज्म का भी जिक्र किया, एक्सट्रीमिज्म का भी जिक्र किया, सेपरेटिज्म का भी जिक्र किया, BRI के खिलाफ भी बात कर ली, सॉवरेंटी की बात भी कर ली, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात कर ली। ये तमाम बातें उन्होंने की। उन्होंने बड़ी महारत के साथ इसका सहारा लेकर पाकिस्तान को भी सुना दी और चाइना को भी सुना दी। दोनों ममालिक में बैठे जो तजिया कार हैं से मौजूदा हालात को गैर मामूली करार दे रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात में जमी जो बर्फ है पिघलने का आगाज भी हो सकता है। शंकर साहब की तकरीर बड़ी जबरदस्त थी जी, बड़ी, क्योंकि वो यहाँ पे एक मेहमान के तौर पे आए हुए थे और पाकिस्तान आए हुए थे, तो ही वॉज वेरी केयरफुल। और चूंकि पहले से कुछ मामला चल भी रहे थे जो हम जिक्र करते रहते हैं कि बैक चैनल पे कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रही है, शायद लगता में कुछ यही है, तो वो भी था। और शायद एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम मामला को इतने शायद ज्यादा खराब नहीं करेंगे। ये भी एक वजह हो सकती है कि हमारे वजीर आजम ने उस तरह बिलावास्ता भी कश्मीर का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। ये भी मुमकिन है कि अगले मरहले में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें मैदान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल दिखाई दें। अगर ऐसा हुआ तो क्रिकेट डिप्लोमेसी से दोनों ममालिक के ताल्लुकात बतदरीज बेहतर हो सकते हैं। अगर हमारा सिर्फ यही नुक्ता नजर है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें भारत की क्रिकेट टीम आ जाए, वो हमारे लिए काफी है। कश्मीर जाए भाड़ में तो फिर तो अल्लाह खैर करे इस मुल्क का। क्रिकेट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया, अहम हो गया है, ये बाकी सब चीजें बेमानी हो गई हैं। हमारी जो एक आवाज उठनी चाहिए थी जम्मू और कश्मीर के बारे में, वो हमें कहीं नजर नहीं आती। और क्रिकेट पता नहीं क्या एक जनून सा सवार हो गया इस मुल्क में कि हर कोई बस उसके लिए हर चीज कुर्बान करने को तैयार है। लेकिन क्रिकेट की हमारी टीम ने भी कौन से झंडे गाड़ दिए हैं कि हमें बहुत खुश। जय हिंद दोस्तों, दर्ने में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस समय सिर्फ जयशंकर की बातें हो रही है। पाकिस्तान में बच्चे बच्चे के मुंह पर विदेश मंत्री जयशंकर का नाम है। इसी बीच विदेश मंत्री जयशंकर की एक तस्वीर अब भी पाकिस्तान में तहलका मचाया हुआ है। मास्टर साहब ने एक इंटरव्यू दिया भारतीय सहाफी को, और उसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नरेंद्र मोदी साहब को भी तशरीफ लाना चाहिए था। तो अब इस बात को अगर संजीदगी से लिया जाता है और दूसरी तरफ से मुलाकात की कोई ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, तो नवाज शरीफ साहब या अगर किसी को बुलाया जाता है तो आपको लगता है कि जाना चाहिए और दोनों ममालिक के दरमियान जो एक
ताल्लुकात होते हैं सिफारती सतह पर, तिजारती सतह पर, वो होने चाहिए। और दूसरा फिर सवाल से जुड़ा हुआ जो कि हर पाकिस्तानी के जहन में आता है, आपके जहन में भी यकीनी तौर पर आ रहा होगा कि मसला कश्मीर ये ऐसा एक मसला है कि जिस पर बात किए बगैर आगे बढ़ना मेरे ख्याल से तकरीबन नामुमकिन है। आप मेरी बात से अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे, तो फिर मसला कश्मीर का क्या हल आप देखते हैं? क्या भारत इस पर बात करने के लिए तैयार होगा? खासतौर पर ये जो 370-35A के हवाले से अगर मैं बात करूँ, ये जो एक सख्त इकदाम लिया गया, गैर आइनी इकदाम लिया गया भारत की जानिब से, उसके बाद फिर आप क्या स्टेटस देखते हैं? गुफ्तगू कैसे होगी? ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? मसला कश्मीर के हल के बगैर या इस पर डिस्कशन के बगैर हमने हर चीज भारत के हवाले कर दी है। मतलब हमारी तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा, जब उनसे पूछा गया कि जी यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो जयशंकर साहब ने कहा है कि वो कोई मुलाकात नहीं हो सकती। मतलब ये है कि हमने उनकी तरफ देख रहे हैं, वो मुलाकात के लिए कहेंगे तो हम हाजिर हैं, वो मुजाकरात के लिए कहेंगे तो बिस्मिल्लाह जी आइए। पता हमारी अपनी कोई पोजीशन नहीं है। मैं मतलब हर चीज आपने उनके दे दी है कि जी आप कहेंगे तो हम बातचीत भी करेंगे, आप कहेंगे तो हम मुजाकरात भी करेंगे, जो आप कहेंगे हम हाजिर हैं। अगर मुल्क इस सतह पे आ गया है तो फिर अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान की जाने से तो इतनी बेचैनी नजर आई हमें कि बस कुछ हो जाए, कुछ कैजुअल तरीके से ही, इनफॉर्मल तरीके से ही कोई बातचीत हो जाए तो बस कुछ ना कुछ निकले सही इस एससीओ समिट से। तो इतना बेचैन पाकिस्तान मुझे कभी नजर नहीं आया जो इस एससीओ समिट में आया। आपको बता दें कि एससीओ समिट समाप्त हो चुका है, उसमें हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान गए हुए थे। बीते कई सालों में किसी भारतीय मंत्री का पाकिस्तान का प्रथम दौरा था। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पाकिस्तान की तरफ से रेड कार्पेट बिछाई गई थी। इस दौरान यह जयशंकर का स्वेग देखने को मिला जिसे पाकिस्तानी भूल ही नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे थे और काला चश्मा पहन विदेश मंत्री ने बता दिया था कि वे किस तरह से पाकिस्तान को रगड़ने वाले हैं। विदेश मंत्री जयशंकर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसे पाकिस्तानी भी खूब पसंद कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।